Hello everyone, today we will discuss the important section, that is 311 of the CRPC. So we'll discuss this. Let me share the white screen. Yes, so here let's see, it's written here that section 311 of CRPC, that is a very and foremost important section of CRPC. कि अगर अभी हम लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने सेक्शन 330 लास्ट में मैंने 311 को सिर्फ थोड़ा सा लाइटली जिक्र करके इसको छोड़ दिया था सो इसीलिए मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो 311 पे बनाऊं एंड दिस सेक्शन 311 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर इट्स आल्सो अगेन कोर्ट्स ड्यूटी हमें कोर्ट्स की ड्यूटी पता होनी चाहिए एंड विल डिस्कस अबाउट इट यहाँ पर 300 सेक्शन 11 जो हम लोग बात करते हैं क्या बात करते हैं जो पावर कोर्ट की पावर है किस चीज को टू समन मटेरियल विटनेस अगर हम बेयर एक्ट देखें उसकी हेडिंग क्लियरली कहती है प्लीज टेक आउट द बेयर एक्ट दैट पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट ठीक है सो इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो बस यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो मैं बताऊंगी इस लेक्चर में क्या क्या ध्यान रखने वाली है क्योंकि इसको हमें रेड विद करना है सेक्शन 165 बाय वहां पर भी अगर देखें हम सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट तो वो एक क्या है हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल है कार्डिनल प्रिंसिपल इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता पढ़ने के लिए भी क्योंकि वहां पर आप क्या करते हो आप एक्सट्रैक्ट करते हो बेस्ट एविडेंस यू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट एविडेंस आउट ऑफ the whole of the case and moreover यहाँ पर जो section 311 है यहाँ पर भी आपका main जो object है क्या है to extract the best evidence ठीक है to extract the best evidence why this is very important for the justice law is all about justice and we all like roam here and there for the justice only that is why If we extract the best evidence for justice, there must not be any delay in justice. There must be a fair trial, fair justice to everyone. You know. So, अगर यहाँ पर देखें तो 311 है. If you see the Bail Act, it says that any court may at any stage of inquiry or trial. Again, same with Section 313. Here also in Section 311, this is talks about that the stage of inquiry or ट्रायल ठीक है प्लीज बेयर विद माय राइटिंग सो और एनी अदर प्रोसीडिंग्स ठीक है अंडर दिस कोड समन एनी पर्सन एज अ विटनेस अब यहाँ पर हम समन कर रहे हैं किसी को भी एज अ विटनेस एंड ऑल्सो एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस दो नॉट समन एज विटनेस और रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन ठीक है एंड द कोर्ट शैल समन एंड एग्जामिन और रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी सच पर्सन If his evidence appear to it to be essential for the just decision of the case. Last line, I've already discussed that it is for the just decision. So, just decision means the justice. ठीक है? आप एक किसी भी person को अगर justice provide करते हैं, you are doing the best thing out of the court. So, अगर हम यहाँ पर देखें, तो cardinal principle में section 165 जो की बात कर रहा था, to extract the best evidence, 311 also talks about the calling the witness यहाँ पर याद रखना witness को हम out of turn भी बुला सकते हैं why out of turn because क्या होता है कई बार हम witness को already examine कर चुके हैं या हो सकता है हमने examine ना भी किया हो तो भी हम उसको अगर वो हमारा witness कैसा witness है star witness means कि That is the most and foremost witness of the case. जिसने शायद हो सकता है वो पूरी घटना देखी हो that witness is the eye witness. Maybe उसने हर एक चीज को देखा हो पहले. हम लोग ने अगर इसी section 311 में जो बात करेंगे best bakery case is the very इम्पॉर्टेंट केस रिगार्डिंग दिस सेक्शन 311 जहां पर अपील में इन लोगों ने क्या किया था इसको यूज किया था ठीक है अच्छा इसको अगर हम देखे हैं बेस्ट बेकरी केस को तो इसको प्लीज नोट डाउन द केस नेम इट इज जाहिरा हबीबुल शेख
एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. ठीक है, आपने उसको पूरा लिख लेना, स्टेट ऑफ गुजरात एंड दिस इज 2004 सुप्रीम कोर्ट. ठीक, इसका नाम जरूर याद रखना. एंड यहाँ पर जो हमारी स्टार विटनेस थी, उसने पूरा, पहले तो नहीं उसने मतलब पूरा विटनेस दिया था, बाद में लेटर ऑन स्टेज में सॉरी कोर्ट ने उसको बुला करके फिर से उसका एग्जामिनेशन किया था. ये याद रखना, जब भी एप्लीकेशन फाइल होगा, ठीक है, तो अंडर सेक्शन 311 फाइल होगा. ठीक, अगर एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन फाइल करता है तो वो कौन होगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस. और अगर एप्लीकेशन कौन फाइल कर रहा है, डिफेंस, तो वो कौन होगा, डिफेंस का विटनेस. ठीक, अभी मैंने जो बात करी थी आउट ऑफ 10, मतलब कि न्यू विटनेस जिनकी जो उनको बुलाया जा रहा है वापस, जिनकी बारी जा चुकी है, उनको भी हम लोग रीसमन कर सकते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन कि जिनकी पर बारी जा चुकी है उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रीसमन कर सकते हैं. लेट मी टेल यू, रीसमन. ठीक है, हम लोग ने बैरक में भी पढ़ा था अभी ये बात. ठीक, और कोई भी अगर कोई नहीं, एनी स्पेक्टेटर इज देयर इन द कोर्ट, एनी स्पेक्टेटर इज ऑल्सो देयर इन द कोर्ट, कैन बी ऑल्सो कॉल डायरेक्टली, या उसको रिकॉल कर सकते हैं, या उसको डायरेक्टली बुला सकते हैं जब भी वो कोर्ट में प्रेजेंट है, या हियरिंग के टाइम पे भी वो अगर प्रेजेंट है. ठीक है, और 311 जो है वो किसी भी टाइम यूज हो सकता है, एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ऑल्सो एट द स्टेज ऑफ ट्रायल. ठीक, ओके, सो वन वर्ड इज ऑल्सो मेंशन इन सेक्शन 311, दैट इज मे. May means that is the discretion of the court. जहां पर discretion है court की, तो वहां पर court की मतलब court can call also और court शायद ना भी बुलाए. लेकिन जहां पर अगर person star जैसे witness मैंने बात करी है, जो कि it's very necessary for the end of justice of the case, और तो वहां पर क्या होगा, court को वहां पर उसको बुलाना ही पड़ेगा. ठीक है, and जब भी 311 का प्रोविजन कोर्ट अप्लाई करता है, तो ये याद रखना कोर्ट हैज टू बी वेरी कॉशियस, एंड वो बहुत ही जुडिशियसली अपना माइंड अप्लाई करके, बहुत ही यू नो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मोर ओवर बहुत ही मतलब नॉन आर्बिट्ररी फॉर्म में और बहुत ही फेयर ट्रायल में उसको पूरा फॉलो करेगा 311. जस्ट रिमेंबर द वर्ड्स, कॉशियसली एंड जुडिशियसली. और जहां पर कोर्ट की जस्ट रिमेंबर कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, कोर्ट की पावर अगर बढ़ गई है तो कोर्ट की ड्यूटीज भी बढ़ जाती हैं. दिस इज ऑल एक अब समझने के लिए भी ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पर पावर्स बढ़ी है, ड्यूटी बढ़ी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोर्ट की बढ़ जाती है. अच्छा, 391 है, हम लोग उसको अपील के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो 386 इज ऑल्सो देयर. इसको रेड विथ कर लेना 311, जहां पर हम लोग अपील के स्टेज में यूज करते हैं, और बेस्ट बेकरी केस में भी ऐसा यूज हुआ था. ठीक, अगर हम उसको कंक्लूड करें इस पूरे सेक्शन को, तो ये याद रखना कि ये एक क्या है, इनेबलिंग प्रोविजन है. दिस इज एन इनेबलिंग प्रोविजन, ठीक है, जो इनेबल करता है कोर्ट को टू समन एंड रीसमन अ विटनेस फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन. ये इतना याद रखना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर कोर्ट को एग्जामिनेशन में लगता है कि जो विटनेस है एसेंशियल है, ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, कोर्ट विल एग्जामिन द विटनेस. द कोर्ट समन एंड रीसमन द विटनेस अंडर विच सेक्शन, अंडर 311. ठीक, आई होप आई मेड इट क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स. और दीज ऑल आर डन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस. ये सब कुछ इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस के लिए किया जाता है, एंड दिस इज ऑल द कोर्ट्स ड्यूटी. अगेन आई एम पॉइंटिंग ऑल दीज वर्ड्स बिकॉज दीज आर द वर्ड्स विच एक्चुअली डिफाइन सेक्शन 311. ऑल्सो प्लीज वॉच 313 सेक्शन, because they both are very important, and these are read with section 165 of Indian Evidence Act, which is the cardinal principle also in Evidence Act, and foremost powers and duty of the court, which they utilize it
you know, with the court utilize it for the interest of justice. So that's all for this video, and please take care and share the video if you like it. Thank you.